बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ताडे कुछ दोस्तों के फोन आए थे कि साड़ी फसल तो हुण असीं स्प्रे किहड़ा करिए क्योंकि पिछले तीन दिनों तो कोहरा पै रहा है और यदि आलू की प्रोडक्शन किवें बेहतर करिए कि आलू जिहड़ा है कोई जिहड़े बचे ने उन्हां नूं किस तरह बेहतर कर सकते हैं कि साइज़ भी बेहतर रहे असीं फर्टिलाइजर पाइए या ना पाइए इस सूरत हाल ते जिहड़ी हुण करंट मौसम जा रहा उहदे हिसाब नाल की सानूं करना चाहिए है। यह ताड़ा सवाल मुख्तलिफ किस्म के सानू आए थे। हुण जिस तरह असीं एक फसल दे विच खड़े हाँ तकरीबन आलमोस्ट 60 तो 70 दिन का एक करोड़ा है इहदे विच तुसीं अगर गौर करो तो 30% कोरे ने तीन दिनों लॉस किया लेकिन पत्ते फिर भी हरे भरे नज़र आते पे ने 70% हले प्लांट हेल्थ मतलब इन्ने कोरे के बावजूद भी अल्लाह की मेहरबानी ना बचिया होया। हुण इत्थे सिचुएशन है कि कल का दिन अज का दिन कोहरा दस्सिया कल क्लाउडी शुरू हो जाना तो कोरे मौसम की जी प्रडिक्शन है वह है वा कि कोहरा घटेगा। ये हुण तुसीं एक तो खाद का इस्तेमाल मैं मशवरा नहीं देंगा कि यूरिया का या किसी भी खाद का इस्तेमाल करो क्योंकि जे अगर तुसीं यूरिया या कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ करोगे वो ताडे जिहड़ा लेट ब्लाइट है वह बड़ा ही शिद्दतनाक अटैक बढ़ जाएगा। हुण पानी लगे ने नमी है फिर तुसीं खाद पानी करोगे नमी नूं मजीद इनक्रीज करोगे वो बीमारी आ जाएगी। पहले कोरे ने डिस्टर्ब किया फिर वह लेट ब्लाइट डिस्टर्ब करेगी। इहदा सलूशन की है एक पानी का इस्तेमाल हुण बेशक ना करना क्योंकि हुण कोरा अगर ख़त्म हो जाता तो बिल्कुल ना लाना। दूसरा ये तो स्प्रे खास तौर पर जिवें ईलीएट है हाईली सिस्टीमिक है फस्ट ऑयल अलमूनियम होता है वो हाईली सिस्टीमिक है एक वो प्रोडक्ट लाजमी होना चाहिए। उस तो अलावा तुसी अगर थायोफनेट जिहड़ा किसी भी एक्रोबेट वाले जहर ना या स्मोक्सीनल मिनकोजेम ना उहदी एडिशन भी लाजमी रखना। वो हाईली सिस्टीमिक मीनस की होंगे कि एक सवाल आया कि हाईली सिस्टीमिक यह होंगे एक पौधे के उत्ते जहर गिरदा है वो पत्ते ले लेंदे ने सारे पौधे दे विच चला जाता है। एक कुछ हाईली सिस्टीमिक प्रोडक्ट होंगे जो अगर जमीन की नमी है वो गिरते तो पौधा रूट्स के जरिए भी ले लेंदा वो प्रोडक्ट्स हाईली सिस्टीमिक होंगे ने फस्ट ऑयल अलमूनियम थायोफनेट ये हाईली सिस्टीमिक इस वजह तो कहने कि असं फ्लडिंग भी यदि करते हैं पौधा इनू नीचों रूट्स के जरिए भी ले लेंदा इस वजह तो इन्हों हाईली सिस्टीमिक का नाम दिता गया। तो ये तो तुसी स्प्रे जिहड़ा खास तौर पर जे सूरज की रोशनी रहिंदी है तो तुहानू ये स्प्रे का जिहड़ा वक्फा है ना ड्यूरेशन ये घट रख के 20 दिन अगर तुसी कढ़ दिओ इहदे नाल तुहाडी प्रोडक्शन अगर पत्ते 70% भी बच जांदे ने तो उहदे नाल है कि पत्ता फूड फैक्ट्री उन्हें खुराक अगर थले देती मौसम हले ठंडा है तो इंशाल्लाह तुहाडी प्रोडक्शन जिहड़ी उह बेहतर हो जाएगी। लेकिन तुसी ना फर्टिलाइजर वाल जाओ ना इरीगेशन वाल जाओ क्योंकि इरीगेशन जिस तरह इस खेत के काफ़ी ज़्यादा हो गई है कोहरे की वजह तो नमी बहुत ज़्यादा है तो अगर इतने कोहरा रोक के सूरज चार दिन तेज़ निकलिया अगर वो थोड़ा जिहा भी टेंपरेचर बढ़िया तो लेट ब्लाइट रोकनी मुश्किल हो जानी। तो एहतियाती तदाबीर यही है कि सिस्टमिक स्प्रे 4-5 दिन के वक्फे ना फस्ट ऑयल अलमूनियम के जिस तरह कोई भी स्प्रे डाइफिनोज ऑक्सी इस तरह के मिक्सचर बना के दो वो 4-4 दिन के वक्फे ना कर दो स्प्रे हो जाए 10 दिन उसको